हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको कैसी सिटी के 2550 में पांच बहुत अच्छी, बहुत कमाल की और बहुत काम की ट्रिक्स या सेटिंग्स बताने वाला हूं, जो शायद आप पहले नहीं जानते हो। अगर जानते भी हो तो शायद आपने कभी यूज ना किया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये सेटिंग्स नहीं पता होती है। तो इन सारी सेटिंग्स को सीखने के लिए जल्दी से हम अपने कीबोर्ड को ऑन कर लेते हैं। कीबोर्ड ऑन होते ही बाय डिफॉल्ट हमारे स्क्रीन पे ऐसा कुछ दिखने लगता है। अब अगर इन कीज में से किसी भी कीज को हम दबाएं तो सबसे पहला ग्रैंड पियानो का नॉर्मल टोन निकल, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डेमो सुनाता हूं। तो हम लोग कीबोर्ड के किसी भी पार्ट से लेफ्ट या राइट कहीं से भी दबाएं तो सेम आवाज आ रही है, एकदम से ग्रैंड पियानो का साउंड निकल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक बटन आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर लिखा है कॉर्ड्स या एकॉम्प। अगर इसी बटन को हम लोग एक बार दबा दें, जैसे देखिए मैं दबाता हूँ, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे ACC लिख के आ गया। अब इससे होता क्या है, जैसे अगर मैं इन कीज को दबाऊं तो आपको कोई भी चेंज सुनने को नहीं मिलेगा। जैसे सुनिएगा, ये सारी कीज वैसे ही साउंड करें। लेकिन अगर अब मैं आपको लेफ्ट वाली कीज दबा के सुनाऊं तो इनका साउंड बदल चुका है। सुनिएगा कैसे। तो इससे इतना मस्त कॉर्ड जनरेट हो रहा है। और ये सिर्फ ए वाली जो बटन दिख रही है, इन तीनों काली के पहले वाली सिर्फ यहीं तक होता है। इसके पहले की सारी कीज इस टाइप का साउंड जनरेट करेंगी, कॉर्ड्स टाइप का साउंड जनरेट करेंगी, बाकी इसकी इधर से सब नॉर्मल कीज की तरह काम करेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतने को एकॉम्पैनिमेंट कीबोर्ड बोला जाता है। तो ये हो गई अपनी सबसे पहली ट्रिक। आप इस चीज का इस्तेमाल जब कहीं पर बजाना शुरू करें, कीबोर्ड बजाना शुरू करें, तब अगर इस प्रकार का साउंड निकाल के आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आप जरूर यूज करिएगा। अब इसके बाद दूसरी सेटिंग, अगर आप डिस्प्ले पे ध्यान से देखिए तो आपको डिस्प्ले पे जो भी चीजें दिख रही हैं वो इस कीबोर्ड का फुल डिटेल नहीं है। यानी इस कीबोर्ड के डिस्प्ले पे और ज्यादा डिटेल्स आप पा सकते हैं। कैसे, इस फंक्शन बटन को एक बार प्रेस करिए, जब ट्रांस लिख के आ जाएगा इसी को कंटिन्यूस प्रेस करते करते आगे बढ़ते रहिए। तब तक प्रेस करते रहिए जब तक स्क्रीन पे कॉन्ट्रास्ट लिख के ना आ जाए। देखिए ये आ गया कॉन्ट्रास्ट। अब जब कॉन्ट्रास्ट आ जाए तब हम प्लस बटन अगर दबाएं तो देखिए स्क्रीन पे क्या चेंज होता नजर आ रहा होगा आपको। देखिए मैक्सिमम 12 तक जाता है, जब इसको मैक्सिमम 12 पे सेट कर देंगे अब देखिए आपको कितना ज्यादा डिटेल दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग लर्निंग लेसन लाइट का इस्तेमाल करने लगते हैं लर्निंग के लिए, तब ये बड़ा काम आता है। और इस समय आपको इस कीबोर्ड के डिस्प्ले में जितनी चीजें, जितनी डिटेल्स होती है सब दिख रही होंगी। कहां से मिलता है, फंक्शन बटन के अंदर लास्ट से दूसरा फंक्शन होता है कॉन्ट्रास्ट, वो जब डिस्प्ले पे दिखने लगे तब आप प्लस बटन से दबा के उसको मैक्सिमम 12 पे कर लें, तब आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा। मैं इसको फिर से नॉर्मल पे कर लेता हूँ, इतना ज्यादा डिटेल दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब जरूरत हो तभी करना चाहिए। देखिए फिर से नॉर्मल पे आ गया। ये हो गया अपना दूसरा सेटिंग। अब अगर मैं आपको तीसरा सेटिंग बताऊं तो इस कीबोर्ड में फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए ये फंक्शन ऐप बटन होती है, आप इसको दबाते जाइए सारे फंक्शंस मिलते जाएंगे। लेकिन जब आप फंक्शन को एक्सेस कर रहे होंगे तो जब आप किसी फंक्शन को दबाते दबाते आगे चले जाएंगे और आपको पीछे वाला फंक्शन चाहिए होगा तो शायद आप फिर से शुरू करके वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन जब आता रहे, फंक्शन को एक्सेस करते वक्त बैक कैसे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी को दबाता जाऊं सारे फंक्शंस आते रहेंगे, लेकिन अगर मुझे कोई पीछे का फंक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन बटन को दबाकर ये जो बगल में टेम्पो वाली बटन दिख रही है इसी को दबाता जाऊंगा तो बैक जाता जाएगा। देखिएगा जैसे भी ट्रांस फंक्शन है, ट्रांस के आगे एकॉम्प है, एकॉम्प के आगे सॉन्ग वॉल्यूम है। अब अगर मैं इस ट्रिक को दबाऊं तो देखिए एकॉम्प वॉल्यूम आना चाहिए, देखिए एकॉम्प वॉल्यूम आ गया। मैं क्या किया, फंक्शन बटन को दबाकर टेम्पो वाली जल्दी से दबा देना है। फिर से मैं आपको दिखाऊं, जैसे देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, स्पीक स्पीक के पीछे क्या है, रिवर्ब है। जैसे ये मैं दबाता हूं देखिए रिवर्ब आ गया और पीछे देखिए डीएम टोन आ गया। तो ये क्या कर रहा है, बैक जाता जा रहा है फंक्शन में। तो ये चीज अगर आप पहले से नहीं किए होंगे तो आपको पक्का नहीं पता होगी कि फंक्शन में बैक कैसे जाते हैं। ये हो गई अपनी तीसरी सेटिंग। अब अगर मैं आपको चौथी सेटिंग बताऊं तो कभी कभी क्या होता है कि हम कीबोर्ड बजाते रहते हैं और बजाते वक्त कोई काम आ जाता है, हम छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं।
हैं, तो उस समय अगर कीबोर्ड में बैटरी लगा है तो छोड़ के चले जाने पे शायद पूरी बैटरी ड्रेन हो सकती है या फालतू में बिजली खर्च होती रहेगी अगर हम बिजली से चला रहे हैं। लेकिन इस कीबोर्ड में एक सेटिंग कर दें जिससे कीबोर्ड 30 मिनट बाद अपने आप से ऑफ हो जाता है, जिसको ऑटो पावर ऑफ कहते हैं, और वो हमको इसी फंक्शन के अंदर मिल जाता है। सबसे लास्ट फंक्शन होता है, हम फंक्शन बटन को दबाते जाएं तो लास्ट में देखिए कॉन्ट्रास्ट के बाद एपीओ आ गया, अभी ऑफ है। अब अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो 30 मिनट बाद कीबोर्ड अपने आप से ऑफ हो जाएगा जब ये ऑन रहेगा। अगर मुझे बंद करना है तो मैं इसको ऑफ कर सकता हूं, ऑफ कर दूंगा तो बंद हो जाएगा। बस दो ही ऑप्शन है, एक देखिए 30 और एक ऑफ। 30 कर देंगे तो 30 मिनट बाद अपने आप से कीबोर्ड पूरी तरह से बंद हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा, और अगर ऑफ रहेगा तो हमेशा चालू रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो ये भी बहुत काम की सेटिंग है, और आप इसको हमेशा ऑन रखें, 30 पे रखें। तो चार सेटिंग्स हो गए, इसके बाद मैं पांचवी सेटिंग आपको बताऊं। तो इस कीबोर्ड में एक फंक्शन होता है, फंक्शन को एक्सेस करते जाइए, देखिए यहाँ पे आपको रिवर्ब दिख जाएगा। रिवर्ब बाय डिफॉल्ट 6 पे होता है, लेकिन इस रिवर्ब से आप अपने कीबोर्ड के टोन्स को, गाने को, जो भी गाना बजा रहे हैं, या रिदम्स को, जो भी रिदम बजा रहे हैं, उसके साउंड में बहुत ढेर सारा इफेक्ट ला सकते हैं, उसमें बहुत चेंजेस ला सकते हैं रिवर्ब को कंट्रोल करके, कम या ज्यादा करके। कैसे देखिएगा, जैसे मैं आपको रिदम पे दिखाता हूँ। रिदम लगाने के लिए कीबोर्ड में रिदम वाली बटन दबा दें, और यहाँ से कोई इंडियन रिदम लगा लेते हैं, जैसे 058 तीन ताल दिख रहा है, इसके पहले कहरवा, कहरवा चलिए, कहरवा अगर मैं आपको सुनाऊं, अब ये देखिए कहरवा ताल चल रहा है। अब मैं इसमें रिवर्ब चेंज करता हूँ, देखिएगा क्या बदलाव आता है इसके साउंड में। इसी रिवर फंक्शन का यूज करके आप किसी भी गाने में, किसी भी टोन में गूंज ला सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी गाना या कोई भी रिदम बजा रहे हो, तो उस समय एक बार रिवर की सेटिंग को आप चेंज करके देखें, शायद जो भी आप बजा रहे हैं वो और अच्छा हो जाए। अभी मैंने जो आपको डेमो सुनाया, शायद आपको उतना अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बहुत ढेर सारा चेंज नजर आएगा। सो आई होप कि आपको ये पांचों सेटिंग अच्छी लगी हो। इस कीबोर्ड से रिलेटेड इस प्रकार की और भी कोई चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।